सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं धीरज कुमार सिंह, प्रवक्ता हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने संधि प्रकरण के अंतर्गत भाग एक में दीर्घ संधि के विषय में अध्ययन किया था। उसी क्रम में भाग दो के अंतर्गत आज हम लोग गुण संधि के संदर्भ में जानेंगे। पूर्व में भी बताया गया था कि सामान्य हिंदी में चार संधियों का समावेश है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसमें दूसरे क्रम पर गुण संधि आती है। गुण संधि जानने से पहले गुण संधि किसे कहते हैं यह जानना जरूरी है। पाणिनि अष्टाध्यायी में गुण संधि के लिए दो सूत्रों का समावेश है। इन दोनों सूत्रों को जानना नितांत ही आवश्यक है। पहली संधि है, पहला सूत्र संधि के अंतर्गत आद गुणः, और दूसरा जो इसको गुण संज्ञा विधायक सूत्र है वह है अदेंग गुणः। आद गुणः शब्द, इसकी परिभाषा है आद गुणः। तो आद के अंतर्गत जो ये द के नीचे हलंत है, इस हलंत की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करने के बाद हम तस्य लोपः से इसका लोप कर देते हैं। द के अंतर्गत विद्यमान नीचे जो हलंत है, इस हलंत का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो करके इसका लोप हो जाता है, यानी द का लोप होता है। बचा क्या? आ। अब आ बचा, आ को गुण होता है, लेकिन चूंकि आ जो है वह परवर्ण है, इसके पूर्व आ के पूर्व आ आता है, जो सूत्र में निहित नहीं है, लेकिन इसका समावेश पूर्व वर्ण के आधार पर कर लिया जाता है। तो अ और आ, इन दोनों को गुण होता है, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अ लिखा नहीं है तो अ आया कहां से? अ आया है जब परवर्ती वर्ण लिखे रहते हैं। जब आ का विधान यहां पर आद गुणः सूत्र में आ का विधान है, तो पूर्व वर्ण आ के पहले का जो वर्ण है वह अ है, तो अ और आ को गुण होता है, यह पहले सूत्र की व्याख्या। अब आइए दूसरे पर, अदेंग गुणः। इस सूत्र को अष्टाध्यायी में परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। अदेंग गुणः यानी अ वर्ण की, ई वर्ण की और उ वर्ण की गुण संज्ञा होती है। यहां पर इस सूत्र का पारिभाषिक अर्थ, सूत्र सूत्रार्थ अदेंग गुणः का हुआ अ ई उ की गुण संज्ञा होती है। अब यहां पर यदि पूरे गुण संधि को परिभाषित किया जाए तो इसी सूत्र पर हम इसकी परिभाषा भी जान सकते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा यहां पर लिखी हुई है, आपको हम बताते हैं कि अ या आ के बाद, क्योंकि पूर्व में हमने बताया था आद गुणः आ था, तो आ के पहले अपूर्व वर्ण है, इसलिए अ या आ के बाद यदि ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई आए, तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, फिर अ या आ के बाद ऊ
या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। तीसरी बात, अ या आ के बाद री आए तो री के स्थान पर अर हो जाता है। चौथी बात, अ या आ के बाद यदि ली आए तो ली के स्थान पर अल हो जाता है। पूर्व वीडियो में भी मैंने बताया था कि ल में री मिला हुआ है, इसलिए यह व्यंजन नहीं बल्कि स्वर के रूप में समाहित किया गया है। यहां पर बच्चे स्पष्ट रहें। अब देखिए, इसको और अधिक सरल ढंग से समझने के लिए एक चार्ट की व्यवस्था है, मैं एक प्रारूप देता हूं जिसको और अधिक सरलता से समझा जा सकता है। गुण संधि में मुख्य रूप से तीन बातें होती हैं। गुण संधि में मुख्य रूप से तीन बातें हैं। वह तीन बातें क्या हैं, इस चार्ट के माध्यम से आप देखिए। यह है धन, धन प्लस। यह प्लस कैसा है, यह प्लस पूर्व, इसके पहले की जो आपने संधि पढ़ा था दीर्घ संधि, कि दो शब्दों के बीच में एक हम लिखते हैं जैसे विद्या धन आलय, तो विद्या और आलय के बीच का जो ये धन है वही ये धन है। तो ये धन स्पष्ट रहे कि ये जो धन है यह दो शब्दों के बीच का जो धन है इससे इसका मतलब है, इससे इसका समावेश है। और पूर्व ज्ञान से मैं आपको और जोड़ना चाहूंगा थोड़ा सा। यहां पर हमने पहली संधि में आपसे बताया था कि संधि का स्थान कहां है, संधि होती कहां है, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और पूर्व शब्द के प्रथम वर्ण में, इन दोनों स्थानों पर संधि का यही स्थान है, स्थान है ये। अभी देखिए, तो हम बता रहे थे कि ये प्लस कहां से आया, ये जो दो शब्दों का हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद के बीच का जो धन है उसी से सिर्फ इसका तात्पर्य है। तो तीन बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात कि धन के पहले या तो आ होगा या तो आ होगा, ये बात नंबर एक। हमने बताया कि गुण संधि में चार्ट के माध्यम से समझने के लिए आपको तीन बातों पर ध्यान देना है। पहली बात कि धन के पहले या तो आ होगा या तो आ होगा। दूसरी बात, धन के तुरंत बाद, तुरंत बाद मतलब धन के प्रथम ही अक्षर के अंतर्गत, और पूर्व का मतलब धन के प्रथम ही, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, यानी अ या आ, यहां पर अ या आ जरूर मिलना चाहिए, यह पहली शर्त है इसकी। दूसरी शर्त इसकी यह है कि धन के तुरंत बाद ई या बड़ी, ऊ या बड़ा ऊ, री और ली, इन चारों अक्षरों में से कोई अक्षर होगा, यानी ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ। तो और तीसरी और अंतिम बात यह है कि तब अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो ई या ई के स्थान पर ए, ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर ओ, री या बड़ी री के स्थान पर अर, और ली अल हो जाता है। तीन बातें मुख्य रूप से यहां पर बताई गई कि धन के पहले अ होगा या आ होगा, कौन सा धन जो हम विच्छेद करते हैं दो शब्दों के बीच के, उसके बीच का जो धन है उसके पहले या तो अ होगा या तो आ होगा। फिर से कहा, प्रथम पद के अंतिम अक्षर के अंतर्गत। दूसरी बात, धन के तुरंत बाद जो पहला अक्षर मिलेगा वह ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री, ली मिले तो ई या बड़ी ई के स्थान पर ए, ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर ओ, री या बड़ी री के स्थान पर अर, और ली स्थान पर अल हो जाता है। आइए अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको और अधिक सरलता से समझ सकते हैं। जैसे शब्द है रमेश,
हमने आपसे पूर्व वीडियो में भी यह चर्चा किया था, प्रथम संधि के अंतर्गत विच्छेद उन्हीं पदों का होता है जिनके दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ हो। तो अर्थ इसका हम विच्छेद करते हैं तो लिखते हैं रमा धन ईस। अब रमा का क्या अर्थ है? रमा किसे कहा गया है? पार्वती को। ईसा कौन है? स्वामी। तो पार्वती के स्वामी अर्थात शंकर। इसलिए मैंने बताया क्योंकि विच्छेद उन्हीं पदों का होगा जिनके दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ हो। कुछ बच्चे लिख सकते हैं रम धन ईस, तो रम से शब्द यहां उसका अर्थ नहीं निकला, यह विच्छेद गलत हो जाएगा। तो विच्छेद उन्हीं पदों का होगा जिनके दोनों पदों का कोई अर्थ हो। अब यहां पर देखिए अपने सूत्र को आप लगा करके देखिए कि क्या ये जो तीनों शर्तें हैं यहां पर पूरी हो रही हैं कि नहीं। चार्ट के माध्यम से पहली शर्त हमने क्या चर्चा किया था कि धन के पहले, धन का मतलब दोनों शब्दों के बीच का जो धन है, ये धन, इस धन के पहले या तो अ होगा या तो आ होगा, दोनों शर्त में से एक पूरा होना चाहिए। तो देखिए पहली बात रमा, जब हम रमा कहते हैं आ, तो यहां पर हमको क्या मिला? आ। क्यों आ मिला? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहां म है तो आ कहां से आ गया? पहले भी हमने चर्चा किया है इस पर कि कोई भी व्यंजन अक्षर बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते, इस म में भी अ मिला हुआ है यानी स्वर मिला हुआ है। तो रमा जब हम पूरा उच्चारण करते हैं रमा, तो यहां पर आ हमको मिला, यानी हमने अपनी पहली शर्त पूरी कर ली कि धन के पहले इन दोनों अक्षरों में से कोई एक होना चाहिए। तो क्या मिला यहां पर? आ मिला, पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी बात, धन के तुरंत बाद दूसरी शर्त ई, ई बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री, ली या बड़ी ली, इनमें से कोई मिलना चाहिए। तो आप देखिए ईशह, ईशह में क्या है? ई, बड़ी ई, यहां पर बड़ी ई मिल गई हमको प्रथम शब्द में। तो आ और ई ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? तीसरी शर्त देखिए, ई और ई के स्थान पर ए हो जाता है, यानी जब हम इसको आ और ई को मिलाते हैं आ धन ई बराबर ए, तो हम लिखते हैं, तो यहां क्या लिखते हैं? रमेश। एक ही मात्रा यहां पर लग जाती है, रमेश। दूसरी बात हम बता रहे थे आ या बड़ी ई मिलकर के यहां पर ए हो गए, तो जब हम लिखते हैं शब्द पूरा तो लिखते हैं रमेश। इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी हम देखें, जैसे शब्द है महोत्सव, महोत्सव, जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे महा धन उत्सव। अब देखिए इस पर भी शर्त लगाइए, पहली बात धन के पहले अ होगा या आ होगा, तो हमको मिला क्या? धन के पहले महा, महा कहने से आ मिल गया। आगे ऊ या बड़ा ऊ, दोनों में से एक मिल गया, उत्सव, छोटा ऊ मिल गया। आ और ऊ मिलकर के क्या हो गए? ओ हो गए। तो जब ओ हो गए तब हम इसको मिलाते हैं तो लिखते हैं महोत्सव, ओ की मात्रा यहां लग गई। तीसरा उदाहरण और भी देख लीजिए यार, जैसे शब्द है राजर्ष, जब इसका हम विच्छेद करते हैं तो लिखते हैं राज धन ऋषि। अब देखिए राज में क्या मिला? ज, व्यंजन है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, ज कह देने से ज अ मिला। तो पहली शर्त हुई अ या आ अनिवार्य रूप से मिला। द्वितीय पद क्या है? री है, री के स्थान पर क्या होता है? अर होता है, सूत्रार्थ री के स्थान पर अर होगा। तो जब हम अ और री को मिलाते हैं
तो वहां पर अर बनता है जिससे हम राजर्ष कहते हैं। इसको और समझने के लिए जैसे हम उच्चारण करें तो देखिए महर अर, महर अर, राजर अर, देवर अर, तो राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, एक अर अर का उच्चारण यहां पर हो रहा है तो यह संधि अपने आप विदित होने लगती है कि इन शब्द में कौन सी संधि का विधान किया है। चौथा देखते हैं, जैसे ली का उदाहरण देखते हैं, पालिस तवल का रह, जब इसका हम विच्छेद करते हैं तो लिखते हैं तव धन लिकार, दोनों पदों का अर्थ होना चाहिए। यहां भी अर्थ है तव माने वे, कौन, इसका अर्थ है वे, और लिकार का मतलब ली आकृति वाले, तो वे जो ली आकृति वाले हैं अर्थात कृष्ण, श्री कृष्ण, क्यों, क्योंकि वासुड़ी वादन के समय उनकी आकृति कुछ ली आकार की हो जाती है, वह तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं, गर्दन से, कमर से, पैर से, तो लाकृति सब तवल कारह जो है यह श्री कृष्ण के लिए शब्द आया है। तो हमारा मूल तथ्य यह है बताने का कि पद का अर्थ होना चाहिए, विच्छेद हम उन्हीं पदों का करते हैं जिनका विच्छेद होगा, यहां पर यही ध्यान। अब देखिए तव में हमको क्या मिला, व, जब हम व बोलते हैं तो व में क्या मिला, अ मिला, व व्यंजन है, व्यंजन है, लेकिन फिर भी इसमें स्वर मिला हुआ है। आगे क्या है, ली, ली के स्थान पर सूत्र में क्या लिखा गया है, अल, ली के स्थान पर अल हो जाता है, तो जब हम अ और री के स्थान पर अल लिखते हैं तो अब इसको मिलाने पर देखिए तवल कार, तवल अल, तवल अल, एक ध्वनि अपने आप उसमें से उच्चरित हो रही है, तवल कार अल, यहां पर अल शब्द मिल रहा है। अब इसके बाद आप लोगों को अगले वीडियो में तीसरी संधि यण संधि के विषय में बताया जाएगा। तब तक बताई गई इन संधियों पर आप अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।